तो वो एक म्यूकोसल टाइप दिखता है। पहले पहले नॉर्मल ये आपको दिखा देते हैं, इधर तो इसको दबाने जोर से ये नॉर्मल है इधर रिट्रैक्शन कैसे पता चला रिट्रैक्शन सर कोन ऑफ लाइट डिस्टॉर्ट है हाँ और सोशल ट्रांस शॉर्टेंड है हैंडल ऑफ मेलियस प्रोमिनेंट लेटर स्पाइन है ना लेटर प्रोसेस ये एनुलस भी तुम्हारा बहुत प्रोमिनेंट हो रहा है तो कोई प्लायबल चीज अगर प्रेस कर दो तो ये जो एजेस रहेंगे वो प्रोमिनेंट हो जाएंगे सिमिलर विद एनुलस इज गेटिंग प्रोमिनेंट तो दिस इज वन ऑफ द फाइंडिंग विथ विच वी कैन से दैट इट इज रिट्रैक्टेड ओके यहाँ पर थोड़ा ये वैक्स हो सकता है और इट इज लुकिंग लाइक दिस रिट्रैक्शन पॉकेट लग रहा है तो ये एटिक है ना ठीक है ना यहाँ तक ये सेंटर ये पास टेंसर है दिस इज पास प्लेसिडा पोर्शन ओके या परफोरेशन नहीं है परफोरेशन नहीं है ना परफोरेशन से ठीक है इसमें भी आपका देख लो आप इसमें भी इतना ठीक नहीं है ब्लड क्लॉट आप एक बार सांस को 30 सेकंड के रोक के रखो इसको फ्रीज करके लो एक बार इसका ये पिक ले लो डिस्चार्ज का कलर क्या वाइट ही लगता है कंडीशन है ग्रेनुलेशन हो सकता है या आप लोग ने इंजरी किया था लेकिन ये मेनली डिस्चार्ज ही लगता है लेकिन फ्लेक्स जो है ना इट मे बी कोलेस्टोमा फ्लेक्स कोलेस्टोमा क्या होता है डिटेक्शन पॉकेट बनेगा फिर वहाँ केराटिन डिपॉजिट कंटिन्यूसली होगा तो व्हाइटिस मास बनता है वो है ना जो कि डिस्ट्रक्शन करते रहता है इन फाइंडिंग्स व्हाइटिस फ्लेक्स भी मिलते रहेगा तो केराटिन जो डेब्रिज रहेगा वो दिखते भी रहेंगे इट विल फ्लोइंग है ना अगर इधर से हम देख पाएंगे अंदर तो इट विल वी मे फाइंड अ कोलेस्टोमा ओके अभी विजिबल नहीं है तो दैट्स वाई वी आर प्लानिंग हियर फॉर मैस्टरडेक्टमी तो मैस्टरडेक्टमी मैस्टॉइड खोलेंगे ना तो वहाँ पर अगर रहता है तो दिख जाएगा तो दैट वी हैव टू तो इनका पैथोलॉजी भी वैसी है ना रिट्रैक्शन पॉकेट से पोस्टरी से पे जाते हैं अभी आपका डिस्चार्ज कितने दिन से ज़्यादा आ रहा है पानी जो आ रहा है आपको बहुत ज़्यादा पहले तो बहुत कम आता होगा जी अभी ज़्यादा हो गया क्या ठीक है।